तो मंदिर से क्या लोगों का पेट भरेगा? मंदिर में तो ये है कि जब भिखारी लोग आएंगे कटोरा लेके बैठेंगे, क्या जो शिक्षित लोग हैं युवा जन है क्या वो मंदिर के आगे भीख मांगेंगे? आपको रोजगार चाहिए मंदिर? हमें रोजगार चाहिए, मंदिर तो घर में ही बना के पूजा कर लेंगे और मन से ही मान लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन रोजगार से हमारे बच्चों का पेट भरेगा और हमारे परिवार का पालन पोषण होगा। आपके बीजेपी को हरानी मुंह के बल गिराना है, और जो जो योगी जी बने हुए हैं ना हमारे योगी जी और मोदी जी, उन्हें थैला लेके बाकायदा संन्यास पे बिठाना है। वो तो कह रहे हम तो फकीर हैं। फकीर है तभी तो किसी को नहीं समझ रहे हैं, अगर परिवार वाले होते तो परिवार वालों की समस्या समझते, लेकिन वो समस्या नहीं समझ रहे हैं किसी की भी। किसान सड़कों पर उतरा पड़ा है, नौजवान बेरोजगार हो चुका है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि लोगों को अपना खर्च चलाना बड़ी मुश्किल से बात चल रही है। प्रदेश नंबर वन नहीं बना है, प्रदेश इतना पिछड़ा वर्ग हो गया है कि अब कोई देश, मतलब जो बाहर के देश थे ना उनकी मदद लेनी पड़ रही है हमारे देश को, तो नंबर वन नहीं बिल्कुल गरीब और भिखारी बना दिया है इस सरकार ने। योगी जी ने तमाम दिल्ली में पोस्टर लगवा दिए उत्तर प्रदेश नंबर वन। अब वो पोस्टर तो लगाया लेकिन नंबर वन बनाया तो नहीं है ना, पोस्टर तो कोई भी सरकार लगवा देगी हमने ये कर दिया हमने ये कर दिया, लेकिन कोई लगवा नहीं रही है। कह रहे किसान खुशहाल है आराम रोज सड़कों पे। अब आप देख रहे हो धरने में सब परेशान है, ऊपर से बारिश इतनी आ रही है, लेकिन किसान अपने हक की लड़ाई बरकरार लड़ रहे हैं, वो परेशान है तभी तो लड़ रहे हैं। पिछले कई दिन से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तमाम लोग जेल में काट कर आए हैं, क्या कोई उम्मीद लग रही है आपको? देखिए अभी पीछे से अथॉरिटी से कोई मिलने नहीं आया है, कोई मीटिंग नहीं की है, कोई टाइम नहीं दिया है, लेकिन हमारा हक इतना है कि अपना हक लेके ही रहना है। सरकार बात मानेगी भी और सरकार झुकेगी भी, क्योंकि किसान जब उन्हें कम लगा, लेकिन किसानों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है, किसान अभी तो सिर्फ आंदोलन चुपचाप बैठ के कर रहा है, लेकिन अगर बात नहीं मानेगी तो किसान जेल भरो आंदोलन करेगा और सड़कों पर चलेगा। चाय बेचने वाला कभी भी इतने महंगे कोट नहीं पहनता, हवाई जहाजों से यात्रा नहीं करता, नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीकर देखे ना, जैसे आम पब्लिक जी रही है, एक दिन जीकर तो देखें। चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार अच्छी लगती है आपको? देखिए अब के हमारी सरकार समाजवादी ही बनानी है हमें, क्योंकि इस भाजपा सरकार ने इतना भ्रष्ट कर दिया है लोगों को कि लोग परेशान हैं, अब तो किसी भी हालत में कोई भी वोट नहीं देने वाला इस सरकार को। और सपा में तो कहा जाता है कि गुंडे रहते हैं, अब ये कब इनको समझे ये गुंडे नहीं है क्या? जो लोगों का सिर्फ अपने पेट भरने की लगी हुई है इन लोगों को, किसी की हालत समझ रहे हैं, किसानों की हालत समझ रहे हैं, किसानों को ये आतंकवादी घोषित कर रहे हैं कि किसान आतंकवादी है। बताइए क्या किसान आतंकवादी? अपने हक की लड़ाई लड़ना क्या आतंकवाद होती है? कैसे देख रहे हो पिछले 9.5 महीने से बैठे हैं, सरकार बिल्कुल बात नहीं मानने, जब आप लोग कहते हैं किसान इतना परेशान है फिर आखिर सुन क्यों नहीं रही सरकार? सरकार अभी मतलब वो ये क्या बताओ, सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, वो अभी कानों में रुई लगा के बैठी हुई है। बिल्कुल पड़ेगा, ये जो पंचायत हो रही है इसका फर्क पड़ना ही पड़ना है, अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो जेल भरो आंदोलन हमारा चलेगा, और आज तो हम बैठ के शांति से धरना दे रहे हैं, आगे आगे हम जो धरना देंगे वो वहाँ अथॉरिटी के आगे बैठ के धरना देंगे। जेल से तो अभी आके हो कर आए आप लोग? हाँ तो दोबारा जेल जाएंगे, जब जेल भरो आंदोलन तो जेल बरकरार हम जाते ही रहेंगे, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमारा 64% जो मुआवजा है उसका भुगतान नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। योगी सरकार या मोदी सरकार? देखिए सरकार अच्छा काम सिर्फ उनको कर रही है, उनका कर रही है जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। सरकार बिक चुकी है, अब सरकार आम लोगों की नहीं रही है, सरकार इतनी भ्रष्ट हो गई है ना कि वो आम लोगों को बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहती है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने जो बिचौलिए खत्म कर दिए हैं देश से। नहीं, देश से बिचौलिए खत्म नहीं है, बिचौलिए और बन गए हैं, दलाल बन गए हैं लोग जो पद लिए हुए हैं। क्या आप ही देख लीजिए राजनाथ सिंह के लड़के को कि उन्होंने यहाँ पे विधायक बनाया, क्या विधायक का कर्तव्य नहीं था कि वो किसानों के पंकज जी जो पंकज सिंह है राजनाथ जी के लड़के, वो क्या उन्हें विधायक जी को यहाँ आना नहीं चाहिए था? किसानों का समर्थन करना नहीं चाहिए था? तो आप आरोप लगाते हैं परिवारवाद कर, वो खुद परिवारवाद में लिखते? बिल्कुल नहीं, ये एक झूठी है ना आने की। देखिए ये जो किसानों का आंदोलन है इसमें ना तो कोई सरकार
अपोजिट है, किसान सबके लिए बराबर है। तो मेरा कहना ये जो विधायक जी हैं उन्हें यहाँ आना चाहिए, किसानों का हाल जानना चाहिए, उन्हें समर्थन करना चाहिए। कहाँ रहे अब सुनने आप लोगों के पिछले 9 महीने से? तो सरकार उन लोगों ने क्या बनाई है, क्या भाजपा सरकार है? जब वो सरकार किसानों की नहीं सुनी तो सरकार को हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए उन लोगों को। आपने कैसा अपना प्रतिनिधि चुना जो आपकी बात है? अब प्रतिनिधि, अब जब तक तो आंखें बंद थी ना, क्यों लगा था कि देश आगे बढ़ेगा, शायद इतना नहीं पता था कि इतना भ्रष्ट कर दिया जाएगा देश को, की कुछ नया होगा। उन्होंने तो ये बोल दिया कि विकास देश का होगा, गरीबी हटाई जाएगी, ये नहीं पता था कि वो गरीबों को ही हटा देंगे। उन्होंने गरीबों को ही हटाना स्टार्ट कर दिया है। कहा जाता है ये सरकार तो गरीबों की है। ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये सरकार अमीरों की है, क्योंकि इनका उद्देश्य सिर्फ गरीबों को गरीबी हटानी है, गरीबों को हटाना हो गया है। क्या सही किया है सड़कों, अभी आप देख लो थोड़ी सी बारिश में सड़कें बेहाल है, पानी भरा हुआ है, नाली बंद पड़ी हुई है, मच्छर हो गए हैं, वायरल फैल रहा है, बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कतें हो रही हैं इंसानों को, बहुत ज़्यादा। कोई काम नहीं है। जो बोला कि गड्ढा मुक्त देश को किया जाएगा, आप हर जगह किसी भी रोड पर निकल जाए हर जगह आपको गड्ढे मिलेंगे। महिलाओं की सुरक्षा कैसी है? महिलाओं की सुरक्षा अभी नहीं हो पा रही, जो पुलिस में है उनकी सुरक्षा तक नहीं हो रही। हम तो आम लेडीज है, तो हमारी सुरक्षा क्या करेंगे वो बताइए। अभी आप देख लीजिए मेरठ की एक लड़की है, पुलिस में थी और उसे मेरठ से ले जाकर दिल्ली में उसका बलात्कार हुआ है, उसको गर्दन गोद कर मारा गया है। तो बताइए हम अपनी सेफ्टी हम क्या करें समझेंगे? बिल्कुल सब वादे झूठे हैं, सरकार खोखली है और ये मतलब लोगों को बेरोजगार करके और देश को बेचने का काम बिल्कुल कर चुकी है।